आज हम जो प्रैंक करने जा रहे हैं बिहार के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ क्योंकि होगा। आज हम आए हुए हैं पटना में एग्जाम तो देने। आज हमारा टारगेट ये लड़की होगी। आज हम इस खूबसूरत महात्मा का चित्र बनाएंगे। चित्रकारी करने से पहले हम सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को माप कर लेते हैं। सिर कितना होगा, बॉडी कितनी होगी, ये सारी चीज़ों को हम बना लेते हैं। उसके बाद बॉडी के हर एक पार्ट को हम शेडिंग के माध्यम से इसको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये क्या, महात्मा तो एक जगह टिक ही नहीं रही है। लेकिन हम भी बड़ी ढीठ से इस महात्मा का पीछे पीछे जाते हैं इनका स्केच करने के लिए, ताकि हमारा स्केच इनकम्प्लीट न रह जाए। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इसमें मैं भी एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ। तो ये एक खूबसूरत लड़की दिखी, तो मैंने सोचा कि आज हम इनका ही स्केच बनाकर इनको सरप्राइज देते हैं। तो देखते हैं आगे इस वीडियो में आगे क्या होता है। हम लोग इनका इतना देर से पीछा कर कर के इनका लाइफ स्केच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये महात्मा एक जगह टिक नहीं रही हैं, कभी इधर कभी उधर भागती जा रही हैं। वो अपने शायद किसी दोस्त को ढूंढ रही हैं। स्केच कंप्लीट करके देने की कोशिश करेंगे ताकि ये घर ना निकल जाए, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है और अब हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम बैग अपना उठा ली और जाने के लिए तैयार हो गई। तो हम भी जल्द से जल्द स्केच कंप्लीट कर लिया और अपना सिग्नेचर कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि इनकी कितनी खूबसूरत स्केच बना हुआ है। तो प्लीज़ एक लाइक आप लोग कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब हम इन महात्मा का रिएक्शन देखते हैं। फोटो दिखा दीजिए, फोटो तो दोस्तों हम लोग कलाकार हैं और हमारा काम है लोगों को खुश करना और लोगों का चित्र बनाकर उनको सरप्राइज देना। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे पेंटिंग वीडियो आप लोगों को दिखला सकूं। धन्यवाद।